जब भी पक्षियों का जिक्र होता है तो हमारे जहन में यही बात आती है कि पक्षी कितने प्यारे, मासूम और खूबसूरत होते हैं। लेकिन आज हम आपको जिन पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं वह काफी खतरनाक पक्षी माने जाते हैं। कई बार तो इन पक्षियों के हमले जानलेवा भी साबित होते हैं, जिनमें इंसानों की जान तक चली जाती है। अगर ये पक्षी गलती से किसी के पीछे पड़ जाए तो इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक पक्षियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। पैनी चोंच, बड़ा शरीर और लंबे पंख वाले इस पक्षी को ईगल के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी न केवल दिखने में बल्कि स्वभाव में भी काफी खतरनाक होते हैं। इतना खतरनाक कि इसे आसमान में उड़ती मौत तक कहा जाता है। इसके पंजे काफी लंबे और नुकीले होते हैं। इनकी मदद से यह अपने शिकार को कब्जे में ले लेते हैं। कहते हैं कि अगर इनकी पकड़ में कोई इंसान आ जाए तो उसका बचना मुश्किल है। तो इनमें आम जानवरों की क्या मजाल। यह पक्षी इतना बड़ा कुशल शिकारी है कि आंख की पलक झपकने से पहले ही यह शिकार को लेकर उलझू हो जाता है। हर कोई बस देखता ही रह जाता है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। आमतौर पर ईगल, सांप, छोटी चिड़िया, मछली और चूहे जैसे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। इनके शिकार करने का तरीका अन्य पक्षियों की तुलना में काफी अलग है। ये अपने शिकार को आसमान में उड़ा ले जाते हैं और फिर ऊंचाई से उन्हें नीचे गिरा देते हैं। इनका वजन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है और ये अपने वजन से 2 गुना अधिक वजनी शिकार को आसानी से उठाकर उड़ने की हिम्मत रखते हैं। इन पक्षी को अधिकतर पहाड़ी बकरियों को उड़ाते हुए देखा गया है। पहले ये उन्हें अपने साथ लेकर उड़ते हैं और मौका मिलते ही उन्हें ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। दरअसल ईगल का पूरा प्लान यह होता है कि जब भी वह बकरी को नीचे गिराए तो गिरते ही बकरी की मौत हो जाएगी और उन्हें फिर आसानी से अपना भोजन बना लेंगे। कमाल है ना दोस्तों, इस शिकारी पक्षी की हिम्मत और होशियारी की दाद देना पड़ेगी। आपको बता दें कि कई बार यह पक्षी ऊंची पहाड़ियों से भेड़ बकरियों को धक्का दे देते हैं और फिर उन्हें मारकर अपनी पेट पूजा करते हैं। यह अपनी धारदार चोंच से शिकार की गर्दन पर वार करते हैं और फिर उनकी जान ले लेते हैं। वैसे भी दुनिया में ईगल की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन रफ्तार के मामले में गोल्डन ईगल की रफ्तार सबसे तेज है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ सकता है। इसकी आंखों की बात की जाए तो यह इतनी तेज होती है कि उड़ते आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जमीन पर अपने शिकार को देख लेते हैं। इस तरह यह पूरा पक्षी कंप्लीट वेपन है। सीगल। दोस्तों, इस पक्षी की भोली सूरत पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि यह पक्षी दिखने में जितना मासूम है असल में उतना है नहीं। जी हाँ, सफेद रंग का सीगल ऐसा पक्षी है जो अन्य मासूम पक्षियों को जिंदा ही निगल जाता है। यहाँ तक कि यह खरगोश, चूहे और बिल्ली जैसे जीवों को भी नहीं बख्शता। यह पक्षी पानी और जमीन दोनों जगह पर आसानी से रह सकता है। इस शातिर पक्षी के शिकार करने का तरीका भी कुछ हटके है। जैसे ही कोई शिकार इसके नजदीक आता है, यह तेजी से उसे घसीट कर पानी में ले जाता है और पानी में डुबा डुबा कर उसकी जान ले लेता है। कई बार इन्हें कबूतरों के साथ ऐसा करते देखा गया है। यह पक्षी अपनी नुकीली चोंच की मदद से शिकार को मौत की नींद सुला देता है। आपको बता दें कि सीगल एक समुद्री पक्षी है जो एकांत समुद्री इलाकों के आसपास पाए जाते हैं। सीगल को आतंक का दूसरा नाम भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंसान पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। यह इंसानों के सिर पर चोंच मारकर खून तक निकाल देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीगल का इतना खौफ है कि लोग इन्हें देखकर वहां से रफ़्तचक्कर हो जाते हैं। इस पक्षी के आतंक का आलम यह है कि लोग इन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। समुद्री इलाकों के आसपास रहने वाले लोग तो सिर पर हेलमेट पहनकर ही रास्ते से गुजरते हैं। व्हाइट पेलिकन। बड़ा शरीर और लंबी चोंच वाले इस पक्षी को व्हाइट पेलिकन के नाम से जानते हैं। देखने में भले ही यह पक्षी आपको प्यारा और खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है।
अगर कोई इसकी पकड़ में आ जाए तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि इस पक्षी की चोंच के नीचे थैली नुमा बड़ी सी संरचना होती है। यह थैली इतनी बड़ी होती है कि इसमें एक साथ कई मछलियों को पकड़ा जा सकता है। व्हाइट पेलिकन इतना बड़ा शिकारी है कि अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। अक्सर बाकी पक्षी इसके भोलेपन को देखकर धोखा खा जाते हैं। दरअसल जब यह घूम रहा होता है तब अन्य पक्षी भी इसके आसपास घूमने लगते हैं। मासूम पक्षी इस बात से बेखबर होते हैं कि यह खतरनाक पक्षी किसी भी वक्त इसकी जान ले सकता है, क्योंकि यह मौका देखते ही अपने आसपास घूम रहे पक्षियों को अपना शिकार बना लेता है। शिकार चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाता। इसकी अहम वजह इसकी चोंच के नीचे बनी बड़ी सी संरचना है। अपनी इस थैली की वजह से यह शिकार को आसानी से कब्जे में ले लेता है और कहीं जाने नहीं देता। रेड टेल्ड हैकवे। दोस्तों, बाज की साइज को देखकर इसकी काबिलियत पर कभी शक मत करना। लाल पूंछ वाले यह बाज कुशल शिकारी होते हैं और इनकी ताकत का कोई जवाब नहीं होता। यह अपने शिकार को पकड़कर ही दम लेते हैं। यह शिकारी पक्षी अधिकतर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसका अधिकतम वजन 1 किलो तक होता है। यह पक्षी इतना बड़ा खिलाड़ी होता है कि कूदते समय ही शिकार कर सकता है, यानी कि यह हवा में ही अपने शिकार कबूतर या चमगादड़ को मार गिराता है। इस पक्षी की सेंस भी कमाल की होती है। जब यह शांत बैठा होता है तो अपने आसपास होने वाली हलचल पर नजर बनाए रखता है। मतलब इसके आसपास अगर कोई शिकारी बैठा है तो यह बिना देर किए उसे अपना शिकार बना लेता है। साउथर्न जाइंट पेट्रल। अब बारी आती है दुनिया के सबसे खतरनाक सी बर्ड में से एक, साउथर्न जाइंट पेट्रल की। यह विशाल पक्षी इतना बड़ा मांस पक्षी है कि यह शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करता और इसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। समुद्र किनारे पाए जाने वाला यह पक्षी अन्य समुद्री पक्षियों को ही अपना शिकार बनाता है। इस पक्षी की चोंच इतनी शार्प होती है कि इसकी मदद से यह शिकार के शरीर पर इतने तेज वार करता है कि वह बेचारा कुछ नहीं कर पाता। यह अपनी धारदार चोंच से शिकार के शरीर में गहरे कट्टे कर देता है। यह पक्षी इतना शातिर है कि यह अकेला हमला नहीं करता, बल्कि यह झुंड में रहकर हमला करना पसंद करते हैं। इन्हें अक्सर पेंगुइन को अपना शिकार बनाते देखा गया है। यह शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खा जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि पानी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह शिकार करने की काबिलियत रखते हैं। कहते हैं कि पानी के भीतर इनका और भी पुकारपन देखने को मिलता है, क्योंकि यह पानी के अंदर तेजी से तैर सकते हैं। इस पक्षी के वजन की बात की जाए तो यह 3.5 किलोग्राम तक हो सकते हैं। बीटोवी। अक्सर लोग इन्हें देखकर चिड़िया समझने की गलती कर बैठते हैं, जिसका उन्हें बाद में भारी हर्जाना भुगतना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि यह चिड़िया इतनी खतरनाक है कि किसी की भी जान ले ले। यह चिड़िया इतनी जहरीली होती है कि अगर कोई इसे गलती से छू ले तो उसकी मौत तय हो सकती है। आपको बता दें कि इस चिड़िया के पंख पर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। हालांकि यह जहर जन्म से नहीं होता, जैसे जैसे यह चिड़िया व्यस्क होती जाती है इसके पंख जहरीले होने लगते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि यह अपने बचाव के लिए एक खास तरह के फल और फूल को खाती है, जिसे खाने से इसके शरीर के भीतर जहर बनने लगता है। अगर यह किसी इंसान को काट ले तो वह लकवा का शिकार हो जाता है और समय पर इलाज न मिलने के अभाव में उसकी मौत तक हो सकती है। अगर यह चिड़िया आपको कहीं भी दिखे तो तुरंत इससे सावधान हो जाइए। ईमू। शत्रुघ्न की तरह दिखने वाले इस पक्षी को ईमू कहते हैं। आपको बता दें कि ईमू दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 1.75 मीटर तक होती है और इसका वजन 37 किलोग्राम तक होता है। इनकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर पक्षियों में होती है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यह पक्षी वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर कोई इसे छेड़ दे या परेशान करे तो उस पर हमला करने के पीछे नहीं हटते। इसके पैरों की एक जोरदार किक किसी भी इंसान को जमीन पर गिराने के लिए काफी है। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। अफ्रीकन शत्रुघ्न की गिनती दुनिया के सबसे बड़े पक्षी में होती है,
ईमू के मुकाबले शुतुरमुर्ग ज्यादा लंबे होते हैं। यह 2 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं। बड़ा शरीर होने के बावजूद भी यह करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। देखने में यह जितने आकर्षक होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। इनकी टांगे काफी मजबूत होती है और इन्हीं से ये हमला करते हैं। हालांकि बेवजह यह जल्दी किसी पर हमला नहीं करते। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है तो यह उसका पीछा नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि इनकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि अगर यह किसी के सिर पर जोरदार हमला कर दे तो उसका सिर तक फट सकता है। श्राइक। श्राइक एक मांसाहारी पक्षी है जिसे स्टोन कोल्ड किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके शिकार करने के तरीके को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह चिड़िया इतनी बड़ी शिकारी है कि यह शिकार को मारकर किसी पेड़ पर कांटे वाली डाल पर टांग देती है। शिकार को पकड़ने के बाद अपनी चोंच से गर्दन और सिर को बुरी तरह जख्मी कर देती है। जब शिकार मर जाता है तो उसे सूखने के लिए पेड़ पर टांग देती है। जब तक उसका शिकार पूरी तरह सूख नहीं जाता तब तक यह उसे नहीं खाती। आपको बता दें कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिन्हें मारकर सीधे खाने पर बीमार पड़ने या मरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि यह शातिर चिड़िया जहरीले शिकारी को कांटे में फंसाकर कुछ समय के लिए टांग देती है। जब शिकार का जहर पूरी तरह सूख जाता है तब जाकर यह चिड़िया उसे खाना शुरू करती है। लगभग 9 से 10 दिन के अंदर यह अपने शिकार को खाती है। कैसोवेरी। अब नंबर आता है दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी कहे जाने वाले कैसोवेरी की। आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग और ईमू के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। कैसोवेरी इतने फुकार और जानलेवा पक्षी होते हैं कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यह एक ऐसा पक्षी है जो पल भर में इंसान की जान ले सकता है। कहते हैं कि इसके वार से बचना मौत के मुंह से वापस आने के बराबर है। यही वजह है कि इन्हें खूनी पक्षी भी कहा जाता है। दोस्तों, इन पक्षी की दुनिया में 3 प्रजातियां हैं। इसके पैर काफी मजबूत होते हैं जिसकी मदद से यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने का दम रखते हैं। इतना ही नहीं, यह 1.5 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। इसके सर पर क्राउन जैसी एक आकृति होती है जिसे यह अपनी शान समझते हैं। दौड़ते वक्त इसका खास ध्यान रखते हैं और अपने सिर को झुकाकर भागते हैं। इनके पंजे लगभग 5 इंच लंबे होते हैं और तेज धार वाले चाकू की तरह होते हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़कर आसानी से चीर डालते हैं। 2007 में इस पक्षी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी घोषित किया गया था। यह इतना जानलेवा पक्षी है कि अब तक कई लोगों की जान ले चुका है और न जाने कितने लोगों को घायल कर चुका है। यह खतरनाक पक्षी अपने शिकार पर इतनी बुरी तरह से हमला करता है कि पल भर में ही शिकार की खाल नोचकर मांस बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, आपके एरिया में सबसे खतरनाक पक्षी आपकी नजर में कौन सा है, कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।